उत्तराखंड के चमोली के उर्गम घाटी में होमस्टे योजना के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। उर्गम घाटी के देवग्राम में पहाड़ी होमस्टे योजना को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। होमस्टे योजना में सैलानियों ने भी जबरदस्त इंटरेस्ट दिखाया है। 25 पर्यटकों का पहला दल पहाड़ी होमस्टे के लिए देवग्राम पहुंच गया है। इस मौके पर देवग्राम के स्थानीय युवाओं और पर्यटकों का स्वागत हल्दी टीका लगाकर किया गया। सभी पर्यटकों को उर्गम घाटी के स्थानीय मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। पर्यटकों को पहाड़ी के गांव की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। ट्रैकिंग टीम कल्पेश्वर होते हुए असेली खर्क, धमशिला, बुग्याल उर्गम घाटी, नंदी देवी पर्वत तक जाएगी। इसके अलावा ट्रैकिंग टीम ओली बुग्याल, बंशी नारायण बुग्याल और हिसवा ठेला बुग्याल के नजारों का भी लुत्फ लेगी। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग टीम 4 दिन तक पहाड़ी इलाकों में ट्रैक करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि 100 पर्यटकों की टीम इस ट्रैकिंग में शामिल रहेगी। इस टीम को जिले के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं होमस्टे योजना में पर्यटकों ने जिस तरह की रुचि दिखाई है उससे गांव के लोगों में जश्न का माहौल है। पंच केदार के कल्पेश्वर से और फ्यूला नारायण, धर्मशिला और असली खरक के लिए एक पहला प्रयास है जो स्टेप एयरपोर्ट अथॉरिटी और जनदेश स्थानीय और ग्राम पंचायत देवग्राम और भरकी महिला मंगल दल आदि के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। आज पहला दिन है, इसमें जो है सब लोगों का स्वागत किया जा रहा है और लोगों को जो है ट्रैक रूट के बारे में बताया जाएगा और आज जो है कि वातावरण तैयार करने का। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बुग्याल और फूलों की घाटी की खूबसूरती लाखों पर्यटकों के दिलों में बसी है। अगर पहाड़ी होमस्टे योजना को सरकार बढ़ावा देगी तो पहाड़ के दूर दराज के गांव की खूबसूरती से पूरी दुनिया वाकिफ होगी। साथ ही पहाड़ के लोगों को उनके इलाके में रोजगार भी मिल सकेगा। पंजाब के सी टीवी के लिए चमोली से पूरण बिलंगवाल की रिपोर्ट।